क्या नागिन पड़ जाएगी चील के प्यार में? क्या नाग है इस सीजन के विलन? क्या है पूरी कहानी? आइए जानते हैं। नागिन 5 अपने पहले एपिसोड से ही काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जिसे दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। नागिन 5 की कहानी धीरे धीरे होती जा रही है काफी इंटरेस्टिंग। नागिन 5 में इस बार प्यार, दुश्मनी और बदले की कहानी देखने मिल रही है, लेकिन इस कहानी में आ सकते हैं काफी नए ट्विस्ट। नागिन 5 लौटा है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जहां चील और नागिन इनकी दुश्मनी काफी अच्छी तरीके से पेश की जा रही है। अब जल्द ही आने वाले एपिसोड्स में नाग और चील नाग मनी के लिए लड़ते नजर आएंगे। वहीं अब अपने बदले को पूरा करने आ गई है बानी यानी सुरभि चांदना, शरद मल्होत्रा और मोहित सहगल। लेकिन कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट। बानी और वीर के सामने आ चुकी है अपने असली रूप की सच्चाई, लेकिन अब भी वो है अपने पुनर्जन्म के इस राज से अनजान। पिछले जन्म से अब तक बानी हृदय यानी अपने प्यार की मौत के जिम्मेदार आकाश को मानती, लेकिन वीर तो पहले से ही दे चुके हैं अपना दिल बानी को। लेकिन बानी खींची चली जा रही है जय की ओर। कहीं ना कहीं ये भी दिखाया जा रहा है कि जय ही है बानी के पिछले जन्म के अधूरा प्यार। लेकिन शरद के कैरेक्टर में आ रहे हैं कई बदलाव। वैसे तो शो में है वो विलेन, लेकिन ये चील नहीं है इतना बुरा। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही शरद का ग्रे कैरेक्टर होता जा रहा है पॉजिटिव। वीर बाकी चील से है काफी अलग, जो उनसे कई ज्यादा है काफी अच्छे। शायद आगे की कहानी में बानी खींची चली आ सकती है वीर की ओर, क्योंकि नागिन के हर सीजन के मुताबिक नागिन को हुआ है हमेशा से ही इंसान से प्यार, और नाग ने दिया है नागिन को धोखा। इस सीजन में भी हो सकता है ऐसा कि नाग यानी कि जय देते नजर आ सकते हैं बानी को धोखा। नाग ही हो सकते हैं बानी के जिंदगी के असली विलेन। नागिन का प्यार देगा उसे धोखा, और आ जाएगा ये ट्विस्ट कि बनते नजर आ सकते हैं वीर नागिन के लिए मसीहा। वीर की ओर खींची चली जा सकती है नागिन। ये ट्विस्ट तो हो सकता है शो में काफी जबरदस्त। इस बार शो के VFX भी है कमाल के। विलन होकर भी अपने अच्छाई से जीत रहे हैं वीर सबका दिल। इन तीनों एक्टर्स की एक्टिंग भी है काफी कमाल की। आपको कैसे लगे नागिन 5 की ये ट्विस्ट, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज़ और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।